देखिए, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका जो बच्चा है वो पढ़ लिख करके ऑफिसर बने, डॉक्टर इंजीनियर बन करके परिवार और देश का नाम रोशन करे। उसके लिए परिवार वाले उसे पढ़ाते हैं, अच्छी कोचिंग देते हैं, बेहतर ट्रेनिंग देते हैं। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि चोरी करना अपराध होता है, चोरी करने वाले को कानून सजा देता है, जेल जाना होता है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि बच्चों को चोरी करने से लेकर के बैंक लूटने तक की ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके लिए बाकायदा स्कूल खुले हुए हैं, तो आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में कुछ ऐसा गांव है जिन्हें चोरों और अपराधियों का गढ़ बताया जाता है। भोपाल से तकरीबन 117 किलोमीटर दूर स्थित ये कांदिया गांव है। गुलखेड़ी और हुलखेड़ी जैसे गांव में पुलिस का भी जाना आसान नहीं माना जाता है और इन जगहों पर चोरी की ट्रेनिंग दी जाती है। इन गाँव में बच्चों को चोर बनाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। बच्चों को चोरी, लूटपाट, पुलिस से बचने के तरीके यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। 12 से 13 साल के बच्चों का माता पिता यहाँ पर दाखिला करवाते हैं। सेंटर में बकायदा उनके एडमिशन्स होते हैं। आपराधिक गुटों के सरगना यहाँ पर सेंटर्स चलाते हैं और कैसे इन घटनाओं को अंजाम देना है ये सिखाया जाता है। चोरी की ट्रेनिंग देने के लिए 2 से 3 लाख तक की फीस भी वहाँ पर वसूली जाती है। यानी ये काम फ्री में नहीं है। बच्चों को अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटी की ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है। बच्चों को जेब कतरा बनाना हो, भीड़ भाड़ वाली जगह पर बैग छीनना, ये तमाम चीज़ें जो है वो स्कूल में सिखाई जाती है। भीड़ से निकलना, पुलिस को चकमा देना, ये तमाम ट्रेनिंग स्कूल में दी जाती है और ये स्कूल धड़ल्ले से यहाँ चलाया जा रहा है। ट्रेनिंग पूरे होने के बाद बच्चों को गैंग में शामिल किया जाता है। सरगना बच्चों के माता पिता को 3 से 5 लाख रुपये सालाना देते हैं। यानी पहले माँ बाप फी देते हैं और बाद में माँ बाप को जो है सरगना 3 से 5 लाख रुपए सालाना उन्हें देते हैं और साथ में ये बच्चे जो हैं ट्रेन किए जाते हैं। बड़ी बात ये है कि यहाँ पर धड़ल्ले से ऐसे स्कूल चल रहे हैं लेकिन प्रशासन तक को वहाँ घुसने की इजाज़त नहीं मिल पाती, यानी प्रशासन भी वहाँ अंदर जाने से डरता है। 8 अगस्त को जयपुर के कालीशान होटल में हुई एक शादी में 1.5 करोड़ के जेवर और 1 लाख रुपये नगद चोरी हुए। ये शादी हैदराबाद के कारोबारी के बेटे की थी। दूल्हे की मां का बैग चोरी हो गया। फंक्शन के दौरान मां ने जैसे ही अपना बैग एक जगह रखा, चोरी हो गई। जांच में पता चला कि चोरी करने वाला एक बच्चा था जो उस गैंग का हिस्सा था। पुलिस के मुताबिक गांव के अमीर लोग 20 लाख रुपए तक खर्च करके 1-2 साल के लिए बच्चों को किराए पर लेकर चोरी के काम में लगा देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक इन गाँव में तकरीबन 2000 लोगों के खिलाफ देश भर में हजारों मामले दर्ज हैं। दूल्हा दुल्हन के साथ बैठेंगे, उनको लिफाफे देंगे, वहाँ पर मेहमान और आपके रिश्तेदार बन के वहाँ पर रहेंगे। कई जगह पे तो ऐसी फोटोग्राफ्स भी सामने आई हैं जहाँ पर दूल्हा दुल्हन की गोदी में बैठ के इन नाबालिगों ने फोटो खिंचाई है। और जैसे ही इनको मौका दिखेगा या कोई कार्यक्रम में समझ में आएगा कि नकदी जमा हुई है या रिसेप्शन में जहाँ पर जो लोग त्यौहार के लिए लाते हैं या व्यवहार लाते हैं उसका बैग जमा हुआ है, तो उसको लेकर तत्काल फरार हो जाते हैं।